সামনে বলুন আজ আর্বিট্রেশন অ্যাক্টে ধারা 36 মে স্যার ইস বাত কা প্রাবধান হ্যায় কি কোই আর্বিট্রেশন অ্যাওয়ার্ড সেট অ্যাসাইড হো জায়েগা আগর ও পাবলিক পলিসি কে খিলাফ হোগা পাবলিক পলিসি কে খিলাফত কিসকো মানা জায়েগা জো করাপশন ফ্রড সে প্রভাবিত হোগা ये स्टेट बात है। अब सर हम लोगों ने सेक्शन 36 में एक बात का प्रावधान था सर, इससे इनका फ्रॉड पकड़ा जाएगा ना। इससे प्रावधान था सर कि आप सीधा स्टे नहीं होगा, कोई चैलेंज करेगा जब तक उसको कोर्ट स्टे नहीं करेगा, ये सेक्शन 36 का प्रोविजन था सर। आज के दिन हम यही कह रहे हैं अगर किसी अवार्ड को चैलेंज किया गया और अगर प्राइमा फेशिया कोर्ट ने पाया कि ये फ्रॉड और करप्शन से प्रभावित है तो कोर्ट स्टे करेगा। सर हमें एक बात समझ नहीं आती है, करप्शन के नाम पर इनको परेशानी क्यों होती है? क्या भारत में ऐसे अवार्ड दिए जाएं जो करप्शन से प्रभावित हैं? क्या सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और ऐसे लोग कोल्यूसिव एग्रीमेंट के द्वारा अवार्ड लेकर टैक्स पेयर के पैसे को वापस करने की कोशिश कर रहे हैं? तो सर हमारी एकमात्र कोशिश है कि भारत में ईमानदारी से आर्बिट्रेशन हो। हमारी एकमात्र कोशिश है कि टैक्स पेयर के पैसे लोग लूट के नहीं ले जाएं अवार्ड में, यही तो हम काम कर रहे हैं। और जहां तक कुछ लोगों ने सवाल किया है कि प्राइमा फेशिया का मतलब क्या होता है, तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि प्राइमा फेशिया केस डज नॉट मीन प्रूव टू द हिल बट ए केस विच कैन बी सेट टू बी एस्टैब्लिश इफ द एविडेंस लेट इन द सपोर्ट इट वी बिलीव। सर हमें एक चीज बताया जाए, हमें सर एक चीज बताया जाए, अगर ऐसे मामले में नेचुरल रिसोर्सेज को लुटा दिया गया, उनकी सरकार ने किया गया, उनकी सरकार ने सर नेचुरल रिसोर्सेज, आज मैं हाउस में कहना चाहूंगा सर, नेचुरल रिसोर्सेज जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्शन में देना था उनके समय में उसे लुटा दिया गया, कार्रवाई नहीं की गई। आज सर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा सर, लेकिन वो लोग बाहर में जाके उसको इन्फोर्स कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए दो हमारे क्लेम पर। तो पहले तो करप्शन से एग्रीमेंट करो, करप्शन से नेचुरल रिसोर्स को, उस समय की सरकार कुछ काम करती रही है, हमारी सरकार आई सारी गड़बड़ी पकड़ी, आज इंक्वायरी हो रही है। अब वो क्या कर रहे हैं कि हमको पूरा पैसा भी दो, और एक इन्वेस्टर अमेरिका में, एक इन्वेस्टर बाकी जगह। सर द लार्जर क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड, क्या भारत के टैक्स पेयर का पैसा जाएगा ना उनके अवार्ड में? ना उनका या किसी का नहीं जाएगा, वो कार्रवाई करते नहीं है। हम कानून से भारत के आर्बिट्रेशन के इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, ईमानदार कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है और हम चाहते हैं वो परेशान हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से चलेगी, इसीलिए सर हम लोगों ने ये कानून करने की कोशिश की। अब सर जो बात उन दो तीन मित्रों ने बताई, ये सारा कुछ स्टे के लिए है, अगर वो जीत गए तो सेट असाइड हो जाएगा, लेकिन सर इस सदन को एक बात समझना पड़ेगा, भारत एक आजाद मुल्क है, एक आजाद मुल्क में क्या कुछ व्यापारी अपने सिस्टम को एब्यूज कर नेचुरल रिसोर्स लेंगे, कोल्यूसिव कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बाहर जाकर इन्फोर्स करेंगे और हजारों करोड़ मांगेंगे? उसको रोकने का एक जरिया इस कानून में ला रहे हैं, इससे क्यों परेशानी हो रही है? एक सीधी बात है इसलिए सर ये बिल्कुल, हम सर चाहते हैं भारत आर्बिट्रेशन का बड़ा सेंटर बने, हमने रिफॉर्म किया है, हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आर्बिट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं सर, और आर्बिट्रेशन काउंसिल भी बना रहे हैं सर, जिसमें हम आर्बिट्रेशन को ग्रेडिंग करेंगे इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो अच्छा आर्बिट्रेशन बनाए। इसीलिए शेड्यूल एट को क्यों हटा रहे थे, बहुत सिंपल सी बात कि आर्बिट्रेशन काउंसिल तय करे कि आर्बिट्रेटर की क्वालिटी क्या हो, उनकी गुणवत्ता क्या हो, उनकी एलिजिबिलिटी क्या हो, तो
कानून से नहीं, हम आर्बिट्रेशन काउंसिल को ऑटोनॉमी दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हेडिंग करेंगे। यही तो सिंपल कानून है सर। और सर हम कहना चाहते हैं, हमने ऑर्डिनेंस इसलिए लाया कि हमें भारत के टैक्स पेयर का पैसा बचाना था जो इन्फोर्स कर रहे थे, और इसीलिए ये एक नेशनल कंपेलिंग नेसेसिटी है सर इस बिल को पास करना। और मैं बहुत पीड़ा है हमारे विपक्ष के लोग एक दिन के लिए देश हित के इस कानून को रोकने में लगे हुए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए ये बिल्कुल वैधानिक है और मैं आपसे आग्रह करूंगा इसे कृपा कर पारित करने की अनुमति देता हूं।